हेलो जी, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माई सबके भंडार भरे, सबके घर में खुशियाँ लाए, सबकी घर में बरकत हो, सबकी तरक्की हो। तो मैं यहाँ शाम का टाइम है, सुबह सुबह मोरनी में मैंने गोवर्धन बनाया था और अब हो चुका है शाम का टाइम। सुबह सुबह कुछ शॉर्ट रील बनाई थी और कुछ गोवर्धन बनाया था। तो फिर शाम को फिर नहा धो करके अपने खाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि शाम को फिर दो पूजा होती है हमारे यहाँ। तो मैंने अपनी सब्जी बना ली थी, आटा गूंद दिया था, खीर बना दी थी और हलवा बनाने की तैयारी थी। इधर चुगड़े भिगो दिए थे पानी में। तो मैं यहाँ कुछ ढूंढ रही हूँ भाई। एक दिवाली का बहुत अच्छा त्यौहार है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, सबके घर में खुशी आ जाती है, बहुत चाव से होता है दिवाली का त्यौहार। हर त्यौहार अपनी अपनी जगह पर अच्छे होते हैं, लेकिन दिवाली का त्यौहार और भी मनोरंजन होता है। इस दिन सब अपने पटाखे जलाते हैं, घरों को सजाते हैं और हमने भी भाई जैसा भी है उधर देवर जी मेरे गोला कस रहे हैं। मैं यहाँ हलवा की तैयारी कर रही हूँ, मैंने और बाकी बना दिया था काम, क्योंकि पूरा परिवार है तो वक्त से ही अपना काम स्टार्ट करते हैं तो तभी जाके बनता है, क्योंकि जल्दी से अंधेरा हो जाता है। तो मैं यहाँ लगी थी 4:30 बजे। मैंने खीर वक्त से रख रखी थी आरे में रखी थी और सब्जी बना दी थी, आटा भी गूंद दिया था। फिर क्योंकि बखत से हलवा बनाते हैं ठंडा हो जाता है, तो मैं सारा सामान तैयार करके फिर मैं हलवा बनाने लगी। अपना गोला देवर ने कस दिया था और फिर किशमिश वगैरह काजू बादाम वो अलग से रखे, तो इसमें घी कम रह गया था तो मैंने घी और डाल दिया इसमें सूजी में। तो भाई पूरा परिवार के लिए तो हमने आधी किलो सूजी का हलवा बनाया है। तो यहाँ मैं अपना हलवे की तैयारी कर रही हूँ और सब अपने काम पर लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने दीवे की तैयारी कर रहे हैं और कोई कुछ, लेकिन खाने पीने का भाई मेरे ही सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है। सारा घर के मतलब काम काज की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही होती है। उधर से भी नहाना धोना भी, सिंगरना डोलना भी और काम को भी, बच्चों को संभालना भी, बच्चों की बातें भी सुनना, सब कुछ मेरे ऊपर ही होता है ये यहाँ। तो यहाँ मेरा हलवा बन चुका है, तैयार हो गया है हलवा भी बन के। और फिर मैं हलवा तो पता नहीं बच्चे आ गए तो बच्चे हंगामा करते, थोड़ी सी बात बोल देना निकेत। तो भाई देखो अभी तो पास ही घूम रही है मेरी। तो यहाँ पर गोला और काजू किशमिश मैंने सारी डाल दी हैं। उधर देवरानी उसकी तैयारी कर रही है, तो मैंने इसमें अपनी पातपुत भी डाल दी है। तो ये हलवा मेरा बनके हो चुका है तैयार, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पूजा होती है माता की, वो पहले पितर महाराज पर खेत में जाना पड़ता है, दादा खेड़े पर और बाली माता पर हर चीज़ की दो पूजा होती है। हमारे यहाँ मन से बोलते अपने खाना डाल दो। तो भैया मेरा हलवा बन के हो गया था तैयार और बच्चे सारे जाए गए हुए थे बाहर गाड़ी सीखने और गाड़ी चलाने के लिए। इधर दीवे कर दिए सारे तैयार शाम के टाइम पर। और वही कितना अच्छा लगता है जब सारा परिवार आता है तो सुबह हंसते बोलते हैं, सभी मिलजुल कर बम पटाखे बजाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिए जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सभी ने बहुत ही मनोरंजन किया घर वालों ने। तो मैं भी अपना फटाफट ये काम निपटा कर फिर मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भी काम ये पूरा हो जाए और मैं भी अपना इंजॉय करूँ। तो मैंने अपना हलवा भी बना दिया था, हलवा बना के मैंने बोग बाग का अलग से निकाल दिया था, क्योंकि बच्चे कहीं झूठ वूठ ना कर दे तो अलग से निकाल दिया था। यहाँ मैं थोड़ा सा आटा रहता हूँ तो आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि सबसे जल्दबाजी ये है कि हमने पंडित को भोजन करवाना है, तो उससे पहले ना मैं अपने खेत में जाना है, उनकी रोटी बनानी है और उनका सामान तैयार करके वो सामान तैयार कर लेना है। और फिर हस्बैंड जी और देवर जी खेत में चले जाएंगे और जहाँ और जगह पूजा पाठ करनी है वो मैं कर लेती हूँ। तो क्योंकि दिवाली वाले दिन है ना, जितनी भी मतलब पूजा पाठ की जगह है हमारे, तो हम सभी जगह जाते हैं, सभी जगह की पूजा करते हैं। तो यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया, गूंद के
कर लिया है रेडी, हलवा भी मेरा रेडी हो चुका है, खीर भी बन चुकी है, सब्जी भी बन चुकी है, सब कुछ तैयार हो चुका है। मगर पहले मैं अपने दादा की रोटी बना देती हूँ, तो क्योंकि वक्त ही बनानी पड़े हैं, क्योंकि वहाँ अपना जो हमने पितर के कपड़े देने हैं वो उनके वहाँ चुस्कार के और फिर हमने बामण को भोजन खिलाना है, उसके बाद और काम स्टार्ट होंगे। फिर तो यहाँ फिर मैंने उनकी रोटी बना दी, फिर मैंने सोचा भी मम्मी की भी बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी को भी वक्त भूख लग जाती है, कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि पूरी बनाई थी हमने, पूरी खाती नहीं मम्मी, तो फिर मैंने सोचा भी मम्मी की भी बना के मम्मी को दे देती हूँ, हलवा दे देती हूँ और रोटी सब्जी दे देती हूँ दो तक निकाल करके, क्योंकि फिर भाई हर तरह का परिवार आया हुआ है तो भाई बोलते तो नहीं मम्मी की, तो पहले ही करते हैं हम, तो मम्मी के हिसाब से अभी जो भी खाना है तो मम्मी को पहले दे देते हैं, क्योंकि मस्त मौला नहीं है हमारी मम्मी, तो थोड़ी सी सीरियस है, तो इस तरह के हमें बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है उनका। तो यहाँ फिर मैं अपना भाई उसकी रोटी रोटी बनाने लगी तो भी अच्छा लगता है, और क्या बताएं हम, किटू ने तो इतने बम पटाखे फोड़े, इतने बम पटाखे बहुत हर्ष से भी ज़्यादा फोड़े, तो मैं ये मतलब भाई काम भी ज़्यादा हो जाता है, फिर तो आवाज़ दे नहीं पाती, और सारा परिवार आया हुआ है, कभी कोई क्या बोल रहा है, कभी कुछ कोई बोल रहा है, तो इसलिए तो ये मैंने दादा का सामान तैयार कर दिया है, हस्बैंड जी देवर जी तो ये सामान लेकर चले जाएंगे, और मैं अपना पहले मम्मी का रोटी और बना देती हूँ, मखाइयाँ का तो सामान तैयार कर देती हूँ, और देवर जी और हस्बैंड जी अपने नहा रहे हैं, नहा धो करके और यहाँ वहाँ चले जाएंगे, तो मम्मी को रोटी दे करके यहाँ मैंने अपना पूजा पाठ की मैंने भी अपनी थाली तैयारी कर ली है, क्योंकि इकट्ठे ही क्यों घर नहीं आना पड़ेगा, एक बार ही मैंने अपना भोग का और खील और मोमबत्ती इसमें रख ली है, मैं यहाँ जा रही हूँ, एक हमारे पास में है ये, तो यहाँ फिर मैंने जो लगा दी, तो ये शॉर्ट वीडियो बनाई थी, पता नहीं ऐसी कैसी आ गई, तो आप बताइए, आप तो ये तो चलता रहता है ये, मैं तो यही कहती हूँ सबके घर में खुशियाँ आए, सब अच्छे से रहें, हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली। तो यहाँ पूजा पाठ कर देती हूँ मैं, और देखो अभी दिन है और पूजा करते करते रात हो जाएगी मेरे को, तो देखो अभी तो बिल्कुल दिन ही है, तो उस समय चली थी मैं, फिर मैंने देवरानी को बोल दिया था भाई पूरी पारी तू बना ले, क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी, तो मैं पूजा पाठ करके आती हूँ, तो गुड़िया भी थी साथ में, तो यहाँ मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली है, तो यही यही की रील बनाई थी, फिर मैं दादा खेड़े पर गई थी, तो यहाँ हमारे वहाँ हम संडे को जाते हैं, तो यहाँ मैं हर दिवस को या संडे को धोख लगाई जाती है हमारी, तो फिर बड़ा दादा खेड़े पर वहाँ गए थे, तो वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, यहाँ फिर लगा के मैं वापस आ गई थी, फिर थोड़ा सा सामान और ले लेती हूँ फिर सारी जगह का, तो एक बार ही ले लेती हूँ, तो भी दादा खेड़ा की भी मैं धूप लगाई थी, यहाँ आ गई फिर अपनी गोवर्धन पूजा करने लगी, देखो अंधेरा ही हो गया था, मैं मतलब खेत में तो हस्बैंड और देवर जी चले गए थे, यहीं पर चुगानन माता है, चुगानन माता पर भी जाऊँगी मैं, दादा खेड़ा है और भैया हमारी कंडी माता है और अभी शिवलिंग है और ये इनकी गोवर्धन जिया की पूजा की जाती है, तो गोवर्धन मैंने सुबह मॉर्निंग में ही डाल दिया था, क्योंकि पहले है ना दिवाली को ही डालते थे, सुबह दिवाली मनाई जाती थी, सुबह ही मोस मनाई जाती थी, ब्राह्मण के हिसाब से ये कह देते भी 5 बजे स्टार्ट है और अगले 5 बजे तक है, तो इसलिए फिर मैंने दोपहर सी को मैंने गोवर्धन डाला था, तो इसको मतलब तीसरे दिन फिर इनकी गोवर्धन पूजा है, तो इनको खाना भी खिलाया बीच बीच में, सुबह शाम दोनों टाइम खाना खिलाया, उनका भोग लगाया, तो भी वहाँ कंडी माता की पूजा करके, गोवर्धन पूजा करके और शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ा के, तो मैं अपनी चुगानन माता पर जा रही हूँ, साथ में बच्चे थे, देखो कैसे जगमगा रहे हैं सभी के घर, कितना अच्छा व्यू है ये, और यहाँ फिर आ गई थी मैं, मगर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बस वैसे मस्ती करने लगी थी, बच्चों ने वीडियो बना ली मेरी, तो यहाँ फिर भाग भाग करके आई, फिर यहाँ फिर पंडित की तैयारी करने लगी, देवरानी ने पूरी बना दी थी,
तो यहाँ फिर हमारा पंडित जी आ चुका है, पंडित जी को खाना देने लगे हमें। अन्नपूर्णा माता की जय, का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कुलपति, जय भंडारी की जय। अन्नपूर्णा माता श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने कृष्णाय श्री गोविंदाय थोड़ा दूध रुक जान दूध ना लके की मेरी सोया दूध की बने रही रुक ये तो के में होती है थोड़ा दूध है वो मैंने समा रहा है तो ये काड़ा है मान को देखा था रोटी होती है हम लोग लगा इतना बड़ा है ये तो बहुत है दिल लगी कामयाब हो जाए भगवान के दाते चलते कामयाबी जय जयरी जय तो भी यहाँ सभी ने पंडित जी का आशीर्वाद ले लिया, सभी मेरा परिवार है और देवरानी पूरी बना रही है, सभी बच्चे भैया पता नहीं कैसे सो उसी बिल्कुल थम गई थी इसलिए मैंने फास्ट की, आवाज़ नहीं आई, तो इनको आशीर्वाद दे रहा है और पूछ रहा है बच्चों से अब क्या करते हैं। भैया मैंने बोला था भाई बच्चों को बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दे जाए, वो सारा परिवार इकट्ठा हुआ है हमारा, तो मैं वीडियो बना रही थी तो बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं सभी आए हुए, और एक देवरानी और देवर नहीं आए क्योंकि गुड़गांव है उनकी, वहाँ भी पूजा करनी ज़रूरी है, तो वो वहाँ बोले भी हम यहाँ पूजा कर लेंगे और सारा परिवार यहाँ पर आया था, तो यहाँ फिर हम सारे का खाना डाल रहे हैं, सारे एक साथ ही खाना डाल खाते हैं, सभी बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना खाने का टाइम हो चुका था, ब्राह्मण को भी हमने भोजन खिला दिया था, फिर बच्चों और मखा पहले खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद पूजा करेंगे, तो सभी बच्चे अपना एक साथ ही में खाना खा रहे थे और फिर इनके बाद इनके पापा और इनके काका और हम साथ में हम खा लेंगे सारे में, ये मतलब अच्छा है कि भई हम सभी खाना खाते हैं तो भी सब ने खाना खा करके, माँ मैं बर्तन फटाफट साफ कर देती हूँ, देवरानी रसोई रसाई साफ करी और मेरे को बर्तन लाके बाहर कर, या मखा चलो मैं साफ कर देती हूँ, मैंने चुन्नी उतार दी थी क्योंकि बार बार पट रही है और जल्दी जल्दी काम निपटा देती हूँ, यहाँ बच्चे फिर अपनी पूजा के लिए तैयार होने लग रहे हैं और मैं बर्तन साफ कर रही थी, मखा चलो तुम तैयार हो जाओ सभी फिर पूजा करनी है क्योंकि आराम से, क्योंकि हमें ना एक डेढ़ घंटा लग ही जाता है, आराम से बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के अपने आराम से पूजा कर लेते हैं, फिर ये नहीं होता भी खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, सारा काम अपना बना बनू के काम करके और आराम से फिर पूजा, क्योंकि आज पूरा ही मुहूर्त था, नहीं तो ये होता कभी 8 बजे का मुहूर्त हो जाता, कभी 9 बजे का मुहूर्त होता, उसके हिसाब से फिर पूजा करनी होती है, लेकिन इसकी बार कोई टाइम नहीं है, पूरा दिन शुभ ही है रात श्याम का, तो इसलिए भी आराम से मखा पूजा करेंगे। इधर बच्चे अपना मतलब तैयार होकर बैठ चुके हैं, अभी पूजा की तैयारी कर रहे थे अभी अंकल जी के, तो उसके बाद तो हम यहाँ फिर पूजा करने लगे, तो भी गुस्सा करते हैं, ये तो थोड़ी सी के लिए बेटे ने ले ली थी, तो ये थोड़ी सी किसी बात भी रखनी होती है, तो फिर इस बच्चे उधर बैठे हुए हैं तो हमें इधर हैं, तो बच्चे सारे बच्चे उधर बैठे हुए हैं, सारा परिवार हम यहाँ पर बैठ कर अपनी पूजा कर रहे हैं, तो अगर इधर वालों को पता चल गया तो गुस्सा करेंगे, थोड़ी सी क्लिप लिसी ले ली थी, बोलते हैं भी थोड़ी सी सिक्सी बात भी रहने दो, चलो कोई बात नहीं भाई सभी करते हैं पूजा, तो हम यहाँ पूजा पाजा करके तो फिर हम चल पड़े ऊपर, बच्चे पहले चले गए थे क्योंकि मैं अपना काम कुम कुछ और पूजा पाजा का करने लगी थी, सभी बच्चों ने पूजा तो सभी बच्चों ने की थी, यहाँ बम पटाखे बजाने के लिए सभी ऊपर चले गए थे, तो वहाँ साइड में बच्चे बलून उड़ा रहे थे, तो चलो मखा वो बार बार ट्राई कर रहे थे, वो बलून उड़ ही नहीं रहा था, कैसे हो रहा है
हैं, तो वो नीचे गिर जाता, ऊपर उड़ाते तो वो नीचे गिर जाता, वो नहीं उड़ा बेचारों का। इधर हम बच्चे अपना दिवाली पर इंजॉय कर रहे हैं, बम पटाखों के साथ अपना अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम यहाँ पर और कुछ टाइम फिर नीचे, एक डेढ़ घंटे बाद फिर इन्होंने खूब मस्ती की, भाई करो तो इनके पापा और इनके ताऊ जी तो गुस्सा कर रहे थे, ये वो। मगर चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो गए भी, बच्चे तो करेंगे इंजॉय फिर भी, कोई नहीं, आज आज का दिन है, बच्चे इंजॉय के लिए तो आते हैं। तो इधर हमने दीवे दावे लगा दी, थोड़ी सी हवा चल रही थी, कुछ लगा दी थी, कुछ भी और थे, मगर थोड़ी सी इतना इंजॉय कर लो फिर बाद में लगा देंगे। इधर सारे बच्चों ने सभी दीवे लगा दिए थे, दीवे फुलझड़ी जला रहे हैं, तो भी मैंने भी कुछ फुलझड़ी जलाए, दीवे जलाए। इधर बेटा पर बम जला रहा है, कितना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। फिर से ये बलून उड़ाने लगा, फिर से इनका बलून नहीं उड़ा, फिर से नीचे गिर के फिर से फूट गए, फूट गया बेचारे, कितनी मेहनत कर रहे हैं ये, लेकिन इनकी मेहनत सफल नहीं हुई, असफल हुई है, वो ऊपर ही नहीं उड़ा, फिर से नीचे पड़ गया। तो यहाँ फिर बच्चे बाहर हो गए, बोले बड़ी माँ काफ़ी टाइम थी खेलेंगे, चलो कोई भाई 11:30 बज चुके थे, 11:30 बजे तक बच्चों ने इंजॉय किया, और इनके ताऊ जी तो गुस्सा भी कर रहे थे, मखारी तो चुप रहो, आज आज बच्चों का दिन खेलने दे। अरे भाई इन बच्चों इनका भी कहना ठीक है, भी कहीं भाई उल्टी सुलटी हरकत ना कर दें, और किटू तो उल्टी सुलटी हरकत करने से ता नहीं, ये बड़ा बेटे वाला थोड़ा सा डर जाते तो लगा के अपना सेफ्टी रखता है, भाग जाता है, लेकिन वो है थोड़ा सा कबड्डा है, थोड़ा सा वहीं पर रोपना दिखाता है। तो यहाँ भी अच्छे से बहुत बढ़िया से त्यौहार मना हमारा, आशा करती हूँ आपका भी सभी का अच्छे से त्यौहार मना होगा, साल भर का त्यौहार आता है, बड़े इंजॉय किया जाता है इस त्यौहार को, अच्छे अच्छे सूट पहने जाते हैं, घरों को सजाया जाता है, खेल खिलौनों का भोग लगाया जाता है, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, सबसे बढ़िया तो पहले खेल खिलौने ही का भोग लगाया जाता है, लेकिन अब तो कई डाल के मिठाइयाँ होती हैं, तो 5 डाल तरह की तो मिठाई हो जाती है, हमारे ही यहाँ इतनी मिठाई आ गई थी, इतनी मिठाई ले आए थे, तो ये हो गया अभी कौन सी मिठाई गई कौन सी नहीं, तो भाई इतने पटाखे बजा लिए, मैं बोला कि टू से मखा चले एक मेरे को बजाने दे, देखो कितना मतलब कितना वो रोपना कर रहा है ये। तो चलो भी एक फारसा तो मैंने भी चला ही लिया था, गुड़िया ने भी चला, सभी बच्चों ने फार चलाया था, लेकिन ये बेटा अभी अपनी सेफ्टी रखता है, ये लगा के दूर भाग जाता है, इसकी हमें इतनी चिंता नहीं है। और जो बीच वाला था वो उसको शौक ही नहीं है इतना, वो दूर दूर से बस देख रहा था, और मैं बोली बेटा तू भी जला ले, नहीं बड़ी मैं तो इनको देखूँगा ही, वो देख रहा था, क्योंकि मेरा सबसे छोटे देवर का सबसे बड़ा लड़का है ये, और बीच वाले का बीच वाला है, मैं सबसे बड़ी हूँ तो मेरा सबसे छोटा है, तो ये मजाक कर रहे हैं बच्चे, तो मखा चलो कोई बात नहीं। तो भाई सबके घर में खुशियाँ लाए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली, ऐसे ठस गया किटू का। और बाय बाय सीओ भाई, सबके घर में खुशियाँ आए, लक्ष्मी माता सबके भंडार भरे, सबके अच्छे से सुख शांति बनी रहे, सबके घर में सब अच्छे से रहे। तो भी आज हमने बड़ी हंसी खुशी से अपनी दिवाली मनाई, और बताना मेरी दिवाली कैसी लगी आपने, सारी बातें दिखा दी है मैंने इसमें, और सुबह की मैंने सिर्फ गोवर्धन की ही पूजा दिखाई, और गोवर्धन डाला था वो भी दिखाया, और फिर शॉर्ट वीडियो बनाई थी वो दिखाई। तो बाय बाय सी यू, हैप्पी दिवाली।